हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 3। ठीक है, एज अ टेक्निकल मिस्टेक्स इन माय मोबाइल्स, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माय प्रीवियस लेक्चर्स, सो आई एम नाउ कंटिन्यू माय प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 एज लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लीगल मैक्सिमम, किसने वो दिया था हमारा लीगल मैक्सिमम, वो दिया था हमारे पास सर एडवर्ड कोक। ये हमारे पास कौन थे, ये हमारे पास थे जूरिस्ट थे, ठीक है, बैरिस्टर भी थे। ठीक है, उन्होंने मैगजीन दिया था कि एक्टस नॉन फैक्टोरियम निसि मैंस सिट्रिया। ये लीगल मैगजीन है, इसको हम लैटिन फ्रासिस भी कहते हैं। इसका कहना है कि गिल्टी एक्ट टुगेदर गिल्टी माइंड कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। जैसा कि हमारे पास कोई गिल्टी एक्ट जो है उसके साथ हमारे पास मैंसरिया होना ज़रूरी है। कैसे, कोई भी आप क्राइम कर रहे हैं, कोई भी आप ऑफेंस कर रहे हैं, कोई भी आप जुर्म कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका आपकी नीयत होनी चाहिए वो करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को शूट किया। ठीक है, अब इसमें ये ज़रूरी है कि ए का इंटेंशन था बी को शूट करना, ठीक है, या फिर ए का तो इंटेंशन था, हमारे पास एक बर्ड है, कोई भी बर्ड है, उसका वो हंट कर रहे थे, वो हंटिंग पर थे, उसका इरादा था एक बर्ड को शूट करने का, मगर उसकी जो है शूट जो हो गए बी, हमारे पास एक ह्यूमन बींग है, कोई एक इंसान है। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास एक क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि इसका इरादा तो नहीं था बी को मारने का। अब यह पहले ज़माने में हम क्या होता था कि पहले ज़माने में इरादा लाजमी होता था, मीन्स बदनीयत उसकी ज़रूरी थी वो क्राइम करने के लिए। मतलब द एक्ट इज़ नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज़ गिल्टी। हमारे पास एक्ट जो है कोई भी क्राइम है वो कल्पेबल नहीं है। कल्पेबल मीन्स ब्लेमेबल, ब्लेमेबल, ठीक है, तब तक वो उस पर आप ब्लेम नहीं लगा सकते जब तक उसका माइंड गिल्टी ना हो, उसकी नीयत बद ना हो, तब तक वो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने क्राइम किया है। ये हमारे पास पुराने ज़माने में बहुत ही ज़रूरी था कि कोई भी इंसान कोई ऑफेंस कमिट करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसके साथ उसकी नीयत ही बुरी होना बहुत ही ज़रूरी थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई क्राइम होता है, ठीक है, कहीं भी कोई क्राइम होता है, तो ये नहीं देखा जाता है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, मगर क्राइम तो हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास दो और भी मैगजीन हैं, आपने पढ़ा होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। अब हमारे पास एक दो और मैगजीन है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एग्जीक्यूट। मतलब क्या हो गया इसका मतलब, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज। मतलब गलती को समझने में आपसे गलती हो गई तो वो क्या है, काबिल एक्सक्यूज़ है, वो उसमें आपको माफ़ी मिल सकती है। कैसे, ए एक पब्लिक ऑफिसर है, इसको अरेस्ट करना था बी, मगर इन्होंने सी को अरेस्ट कर दिया एज़ ये समझ कर कि ये सी जो है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो फिर क्या इसने कोई ऑफेंस कमिट किया, नहीं, इन्होंने क्या किया, इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूट किया। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हुआ इसका, मतलब उसको हकीकत समझने में उससे भूल हो गई, तो फिर ये हमारे पास वो क्राइम नहीं है। मगर इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। कैसे, मतलब आप कोई ऐसी चीज़ को इग्नोर कर दें जो एक्सक्यूजेबल नहीं है। हाँ, कैसे, कोई भी कानून, आपको पता है कि किसी इंसान को डिफेम करना एक जुर्म है, अगर डिफेम करते हैं तो फिर वो एक्सक्यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है किसी इंसान को मार देना जुर्म है,
और उसकी पनिशमेंट भी है, ठीक है, और आपको उसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, अगर ए बी का मर्डर कर दे तो क्या ये एक्सक्यूज होगा? नो, दिस इज नो एक्सक्यूज, ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा, ये क्या हुआ, ये क्राइम हुआ, ठीक है। ये हमारे पास था जो हमारे पास इंट्रोडक्शन लेक्चर्स थे, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पर, इंडियन पेनल कोड पर, वो आज मुकम्मल हुए। आज के बाद हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन से स्टार्ट करेंगे हमारे पास जो भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।